वो मजूसी था, आज इस परस्त था, आग की पूजा करने वाला, वो भी अमीर था। जवाब ने पढ़ाया, सवाल और जवाब हुए। सैयद आदमी ने अपना तारुफ कराया, जुड़ी उसने तारुफ सुना, उसके मन में से आवाज आई, अरे तकदीर कुछ किस्म की तेरी चौकट पर खुद आ गई है, ये मौका हाथ से ना जाने देना। ये मुसलमानों के पैगंबर, मुसलमानों के मुक्तदा पेशवा, हक़े नबूवत का ताज सर पर रखने वाले अल्लाह के रसूल की औलाद आ रही है तेरी चौकट पर। ईसा को एहतराम से वो घर ले आया, घर वालों से कहा ये मेरे खास मेहमान हैं, इनकी ताज़ीम तकरीम अदब और इनकी हाजत तवाज़ों में कोई कमी ना की जाए। रात हुई, वो मुसलमान रही सोया, ख्वाब में मंजर देखा कि मैदान हश्र आया और फिर जन्नत का मेन दरवाजा, फिर जन्नत के अंदर के मनाज़िर उसे दिखाई दिए। एक खूबसूरत तरीन महल है जन्नत, आमना के लाल उस महल के दरवाजे के पास खड़े। ये मुसलमान रईस हर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना खूबसूरत महल जन्नत में किसका? आपने इशारा फरमाया ये मुसलमान का है। किसका? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मुझे कैद फरमाइए, मैं भी मुसलमान हूं। नबी अलैहिस्सलाम के नबूवत वाले चेहरे पर जलाल, फरमाया क्या दलील है तेरे पास कि तू मुसलमान है? अरे तुझे हया ना आई? मेरी आग औलाद में से मेरी बेटी बातों से मजबूर होकर, बच्चों को से मजबूर होकर तेरी चौकट पर आए, तूने उससे सैयद आदमी होने का सबूत मांगा, अब बोल मेरे पास मुसलमान होने के लिए क्या सबूत? इतने में आप खुल गए, रोता हुआ खारे मातौबा उठ के बैठ गए। सुबह हुई तो एक दरवाजे पर दस्तक देकर पूछता है कि वो सैयद आदमी किस घर में मेहमान है। आखिरकार पता चला कि तो मजूसी के घर, आतिश बख्श के घर, आकर दस्तक दी। आवाज आई कौन? इसने अपना तारुफ कराया, वो मजूसी का है। जो मजूसी है जो नबी की सैयद आदमी तेरे घर में नहीं ठहर सकती, मैं उसे लेने के लिए आया। वो कहने लगा पहले सारी बात बता, फिर मैं जवाब दूंगा। उसने सारा वाक्य सुनाया, फिर अपना ख्वाब सुनाया। मजूसी रो पड़ा, उसने कहा है मुसलमान, रात ख्वाब में जिस अल्लाह के रसूल ने तुझे धुतकार दिया था, उसी अल्लाह के महबूब ने मेरे ख्वाब में आकर मेरा मुकद्दर संवार दिया। मुझे रसूलुल्लाह ने अपना दीदार भी अता किया, मुझे ईमान भी अता किया, मुझे कलमा भी पढ़ाया, और वो जो महान पुरुष
सलाम की आल में से औलाद में से अगर एक गरीब सैयदाती का अदब ताज़ीम तकरीम कोई है उसने भी करता आज तरस करता है मजूसी करता तो अल्लाह ताला का उसका इनाम कितना होता कि रसूलुल्लाह का दीदार आता होता ईमान की दौलत मिलती है जन्नत की दौलत भी और जमानत मिलती है। अब यहीं से अगर कोई मुसलमान नबी की आल औलाद में से नहीं नबी अलैहिस्सलाम की हकीकी बेटी आपके जिगर का टुकड़ा बीबी फातिमा को सहरा रबी अल्लाह ताला अन्हा से अकीदत और मोहब्बत और मोहब्बत का इजहार करे सिर्फ इजहार ही ना करे बल्कि अपने दम को जिगर में उनके लिए मोहब्बत जिनके बारे में मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपका तारुफ क्या है ऐसा तारुफ कायनात की किसी खातून का है सैयदुल अंबिया की पाक बेटी सैयदुल औलिया की मोहतरम बीवी सैयदुल शुहदा की मुअज्जज मां ये तारुफ आपको पूरी कायनात की औरतों में खवातीन में एक मिसाली खातून बनाता कि आपके हसब और नसब को देखा जाए तो कायनात की कोई खातून कितनी बड़ी परहेजगार ले क्यों ना हो खातून जन्नत के मकाम के बराबर नहीं आ सकती। ये हमारा अकीदा ये हमारी अगर सोच है अगर नजरियात है जिस पर हम आगे चलकर वर्तमान कायम हो पाए कौन खातों में जन्नत सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी कौन खातों में जन्नत जो रिज से नजस से हैद और निफास से बेटा हसन पैदा होता कुछ ही देर के बाद नमाज का वक्त आता है खातून ने जन्नत मुसल्ले पे खड़ी होकर नमाज अदा कर क्यों कि अल्लाह ने हर किस्म की नजासत से पलीदगी से आपको पाक कर दिया नबी अलैहिस्सलाम ने आपका इस्म फातिमा रखा पूछा क्या रसूलल्लाह इसका नाम फातिमा क्यों रखा फरमाया इसलिए कि जो इससे मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला फातिमा पर फातिमा की औलाद पर और इसके मुहिबीन पर जो इससे मोहब्बत और अकीदत रखने वाले कयामत के लिए लोग आएंगे अल्लाह ने सब पर जहन्नम को हराम कर दिया फरमाया जो जिससे फातिमा राजी मैं उससे आ जिससे मैं राजी मेरा अल्लाह उससे आ जिसने मेरी बेटी फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया खातून ने जिद्दत बीबी फातिमा को सहारा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम ने आपको अपना जिगर पारा फातिमा किस आदम मिन्नी लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरे जिगर का हिस्सा ये अल्फाज इंतहाई मोहब्बत इंतहाई प्यार में बोले जाते हैं जिससे हद से ज्यादा प्यार हो जाए उसी को अपना जिगर कहा जाता है जिगर का टुकड़ा कहा जाता है कुर्बान जाइए अम्मा आयशा सिद्दीका अफीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप क्या फरमाते हैं आप फरमाते हैं इज़ा दाखलत अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तो अल्लाह के नबी काम बेटी के सरकार के लिए उठ के खड़े हो जाए। अल्लाह के नबी का खड़े होकर बेटी का इस्तकबाल करना कोई मामूली बात नहीं। नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो, नबूवत खड़ी हो गई और नबी अब्दुल्ला बोलने दीजिए, नहीं नहीं, जब आप खड़े हुए तो खुदा की सारी खुदाई करके खड़ी हो। नबी अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर बेटी की पेशानी को सर को चूमना शुरू कर दिया। क्या किया? आए आप भी बेटियों वाले कोई बात ये बताए कि मेरे घर मेरी बेटी मिलने आती है, मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत समझ कर उठी उठी घर पे हो जाता हूँ, आगे बढ़कर उसके माथे को सर को चूम लेता हूँ मोहब्बत से कि मेरे नबी की सुन्नत है ये। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम छोटी छोटी सुन्नतों को अपनाते हैं। बेटी को मोहब्बत और प्यार देने के लिए हमने कभी सुन्नत की अमल नहीं की। अरे वो कायनात के मालिक खत्म नबूवत का ताज सर पे रखने वाले शबे मेराज जैसे नालायक पाप और कलमों के बोसे आशे को अल्लाह ने लिए थे, आज वो उठकर खाना तो ज़हरा के बोसे ले रहे थे। ये कोई मामूली बात वहां का साहबी मदद से और नबी अलैहिस्सलाम मसलत पर जहां आप बैठते थे अपने पास अपने बराबर अपनी बेटी को बिठा दिया करते और जब नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर आते वकान नबियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला दाखिल आए हां कहा हां की जाए। जब अल्लाह के रसूल आते तो खातून जन्नत भी अपने अब्बा जान की इज्जत के लिए के लिए उनके खड़ी हो जाए, बेटी भी उसी तरह बेटी रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा कर रही, अपने अब्बा जान के एक एक अदा को अपना रही। एक हदीस पाक एक रिवायत के अंदर आता है कि आपका उठना बैठना चलना फिरना मुस्कराना गुफ्तगू करना चार धार तौर तरीके खातून जन्नत के बिल्कुल 100% उसी तरह थे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। अब आपके जहनों में सवाल पैदा होगा कि ये दो रिवायतें बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम आते तो बेटी खड़ी हो जाती थी, बेटी आते तो अल्लाह के नबी उठके खड़े हो जाते थे, बेटी को इज्जत देते, बेटी को प्यार करते, बेटी को अपने वस्त्रों पर बिठाते। इन रिवायात को बयान किसने किया? ये अहम ये बयान किया है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु। दुनिया वाले दुश्मनी अदावत और मुखालफत को बयान करने में लगे हुए, मैंने हदीसों का हवाला देके आपके सामने दलील रखी। अगर किसी के लिए दिल में अदावत दुश्मनी हो तो उनके विसाल के बाद चले जाने के बाद जब तक जिंदा रहे इंसान अपने किसी दुश्मन की तारीफ नहीं किया करता। कुर्बान जो अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला जब तक हयात रही नबी अलैहिस्सलाम की बेटी के गुण गाते हैं, अपनी बेटी अम्मा आयशा नबी की भी तो फातिमा बेटी हुई ना, तो मां अपनी बेटी के तस्करे किया करते हैं। कहना कानून को बताया आपने, अगर घर के हालात आप ना बताती तो हमें कैसे पता चलता कि अल्लाह के नबी अपनी बेटी से किस कदर प्यार करते, किस कदर फरमाना दाद में मिलते थे। जब इंसान अपने बेटा या बेटी के लिए शादी का प्रोग्राम बनाता तो चार मरहले होते, पहला होता है
तीसरा मरहला तकरीब निकाह और चौथा आखिरी मरहला बेटी की रुस्ती या बारात। दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दूल्हे वाले लफ्ज बारात इस्तेमाल करते हैं और लड़की वाले शादी खाना आबादी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई दीनदार घराना हो तो निकाह मसनूना का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम के घर आपकी बेटी के रिश्ते के लिए भी कई घरों से रिश्ते आए, पैगाम आए, अल्लाह के रसूल ने खामोशी किया था, क्योंकि आपकी वादे तौर पर हदीस है, मैंने अपना निकाह किसी खातून से किया या अपनी बेटी का निकाह किसी मर्द से किया, अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह की तरफ से वही आई, जिब्रील आए, अल्लाह का हुक्म आया, तो अल्लाह की पसंद को सामने रखते हुए मैंने अपना निकाह किया और अपनी बेटियों का निकाह। आप इसी इंतजार में रिश्ते आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु चल कर अली मुर्तजा के पास आते, खेतों में जाओ ऊंटों को चला रहे, अपनी जानों को चला रहे। फरमाया आए अली देर ना करो, अब यही बात और से घरों से रिश्ते आ रहे। रसूलुल्लाह ने किसी को हां नहीं की, हमारा दोनों का मशवरा और हमारी सोच है कि इस रिश्ते के लिए मौजू चूना सिर्फ अली हो सकते। हमारे भाई अली जाइए अल्लाह के रसूल से उनकी बेटी का रिश्ता अपने लिए मान लीजिए। हजरत अली शर्मा गए, फरमाते मुझे हया आती, मुझे शर्म, अल हया बिना ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है, अगर कोई कामिल ईमान वाला ये हया नहीं करेगा तो फिर हया कौन करेगा। और अली फरमाते मुझे हया आती है कि मैं अपने रिश्ते की बात अल्लाह के नबी के सामने लाके तो सिद्दीक अकबर के बार बार इशरार पर, फारूक आजम के इशरार पर, घर में आए तो उम्मे अहमद के इशरार पर आप राजी हो। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे सलमा के घर में मौला अली एतमाद पर आकर दस्तक मेरे कदम भी बोले
किया था। पानी भर कर लाने वाला चमड़े का मशीरा, एक लकड़ी का प्याला, दो मट्टी के गिलास, दो भरे पानी जमा करने वाले मट्टी के बने हुए। काली कमली वाले ने खुद में निकाह पड़ा।
आज भी सबसे ज्यादा प्यार खदीजा
नबी अलैहि सलाम आए, बेटी को उठा के अपने सीने से लगा। एक बंदे माथा चूम लिया, सर चूम लिया, रोते हुए कहा, बेटी रोना नहीं, मैंने तेरी शादी अली से कर दी। कायनात में दो ही बदगुजीदा हस्तियां, एक तेरा बाप और दूसरा तेरा शौहर। फिर दम करने के बाद फरमाया, बेटी थोड़ा सा पी लो। खातून ने जन्नत ने पानी पिया, बाकी फरमाया मुझे वापस वापस किया। आपने वो पानी अपनी बेटी के चेहरे और सीने पर छिड़काव किया, वो पानी खत्म हो गया। फरमाया बेटी और लेकर आओ, और लेकर आई, मेरी भी अमल किया। फरमाया बेटी मुंह उधर करो, बेटी ने दूसरी तरफ रख दिया। आपने फिर वही पानी का छिड़काव बेटी के सर के ऊपर, ऊपर के ऊपर किया। फरमाया अली तो उठो, अब तो पानी लेकर क्या कहने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत। और अली पानी लेकर आए, वही अमल किया और अली को पिलाया, अली पे छिड़का, अली पे दम किया, वो पानी छिड़काव किया। फिर अल्लाह के नबी ने नबूवत वाले हाथ उठा दिए और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उईदुहा बेटा के बाद।
खातून जन्नत का मिसाल हो गया। आपने जाने से पहले इजाजत दी, ऐ अमीन तुम्हें इजाजत है तुम अब शादी कर सकते हो। अली मुर्तजा ने खातून जन्नत के मिसाल के बाद जगह बाद दीगरे पांच शादियां और की। कितनी? आठ शादियां। 18 बेटे और 18 बेटियां अल्लाह ने अता ये बच्चे इनकी औलाद कयामत तक सादात